हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक रिग्लिन घटाई का स्वेटर बनाया है, जिसकी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये डिजाइन नीचे वाला पैटर्न और ये रिग्लिन की घटाई वगैरह बताई थी। ये हमारा बैक है और ये हमारी फ्रंट है। ये देखो, ये हमारा फ्रंट का पीस है जो हमने बिल्कुल सेम बनाया है, बस इसमें हमने यहाँ पर 8 फंदे की बटन पट्टी बनाई है, ये वाली। अब हम इसमें हुड और गला बताएंगे। मेरे कई फ्रेंड्स पूछते हैं कि रीग्लेन स्वेटर में हम गला कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें गले की घटाई नहीं होती है। देखो, मैंने कहीं भी गले की घटाई नहीं की है। और ये इसकी स्लीव्स है, ये मैं 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने 70 फंदे डाले थे यहाँ, फिर बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 80 फंदे कर लिए हैं। फिर मैंने ये वाली, ये मैंने 10 इंच की लेंथ की है और उसके बाद मैंने एक एक फंदा दोनों साइड घटाया है। हर सिलाई में सिलाई शुरू करते हुए एक एक फंदा घटाया है। बैक में मेरे पास ऊपर जैसे यहाँ 80 फंदे थे, 80 फंदे थे, तो बैक में यहाँ मेरे पास 28 फंदे हैं। और स्लीव्स में मैंने यहाँ पर 40 फंदे डाले थे और ऊपर यहाँ पर मैंने 50 फंदे किए थे। यहाँ हमें अपोजिट करना है, जैसे इसमें नीचे हमने सेल्फ डिजाइन डाला है और ऊपर धारियां डाली हैं, तो इसमें हम नीचे धारियां डालेंगे और ऊपर डिजाइन डालेंगे, सेल्फ डिजाइन। ये देखो इस तरह से, ये हमारी दोनों स्लीव्स है। स्लीव्स में मैंने यहाँ पर ऊपर यहाँ 70 फंदे किए हैं, ये वाले, और यहाँ पर मेरे पास ये वाले 18 फंदे हैं। थोड़ा जिस बच्चे का मैं बना रही हूँ वो स्लिम है, अगर आपके पास बच्चा हेल्दी है तो आप इन फंदों को 70 की जगह 76 या 78 भी कर सकते हैं। ये हमारी देखो, ये हमारे ये वाले है, ये हमारे 6 इंच के मुड्ढे हो गए हैं रीग्लेन के। अब हम इसमें गला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम गला बनाएंगे और उसके बाद हम इसमें हुड बनाएंगे। इसके लिए हमें 12 नंबर की 12 नंबर की सिलाई लेनी होती है। तो हम कैसे डालेंगे वो आप देख लीजिएगा, हमें कैसे इसमें कोई गले की घटाई नहीं होती है। आप ये देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको करना है। इसमें हमें सबसे पहले जो फ्रंट का पार्ट होता है, जैसे हमने बटन पट्टी बनाई है, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट इस सिलाई में बुन लेते हैं पिंक कलर से। ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, ये हम उल्टे बुनेंगे 8 फंदे, और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखो, ये 8 फंदे मैंने उल्टे बुने हैं, 2, 4, 6, 8। अब ये सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये वाले। यहाँ पर मेरे पास, जैसे हमारे पास बैक में 28 फंदे हैं, तो यहाँ पर 8 फंदे पट्टी के बढ़ जाएंगे, यानी कि 36 हो गई हैं। तो हमारे पास 18 फंदे एक पार्ट में हैं। तो हम अब ये 18 फंदे सिंपल सीधे बुन लेते हैं ऐसे, ये वाले। ये देखिए, ये मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हम एक स्लीव्स लेंगे ऐसे। अब हम इन स्लीव्स के फंदों को भी इस सिलाई में सीधा बुन लेते हैं, इसी सिलाई में ऐसे। ये देखिए, ये हमने एक स्लीव्स के फंदे डाल लिए हैं। अब हम बैक, ये जो हमारी बैक पीस है, अब हम इसको डालेंगे सिंपल सीधा, डालेंगे इसको भी ऐसे सीधा बनते हुए इसी सिलाई में ले आएंगे। ये देखिए, ये हमने बैक का पीस भी डाल लिया है, ये हमारी। अब हमने नेक्स्ट जो स्लीव्स है हमारी बाजू, वो डालनी है। सबको हमें सीधे सीधे बुनना है। ये देखिए, हमने ये वाली स्लीव्स भी डाल ली है। अब जो हमारे पास ये पीस बचा है, इसको भी हमें ऐसे डालना है ऐसे, ताकि एक साइड हमारा ये बॉर्डर आ जाए और दूसरी साइड हमारा ये बॉर्डर आ जाए। तो इन फंदों को अभी हम रिवर्स कर लेते हैं दूसरी सिलाई में ऐसे। इन फंदों को हम ऐसे इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने ये ऐसे कर लिए हैं। अब हम इन फंदों को भी इस सिलाई में ले लेते हैं
ऐसे ये हमने सारे ले लिए हैं, बट ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हमने सारे पीसेस को एक ही सिलाई में ले लिया है। अब हमें यहाँ पर गला बनाना है। ये हमारे पास 100 फंदे हैं क्योंकि 18 इसमें थे, 18 स्लीव्स में थे, 20 पीछे थे, 18 इसमें है और 18 इसमें है, तो इस तरह ये हमारे पास 100 फंदे हैं। और हमें गला बनाने के लिए केवल हमें 90 फंदे चाहिए, तो हम 10 फंदे यहाँ पर बीच में घटा लेंगे। 10 फंदे हम यहाँ से लेके यहाँ तक घटा लेंगे और दोनों साइड की पट्टी ये वाले हमारे उल्टे ही चलेंगे, इधर के और इधर के ये फंदे हम उल्टे चलाएंगे और बाकी बीच का बॉर्डर हम जैसा हमने नीचे बनाया है दो उल्टे और दो सीधे का बनाएंगे ऐसे। पहले हम अपने ये 8 फंदे उल्टे बना लेते हैं। ये हमें पूरी पट्टी उल्टी ही बनानी है, ये वाली 5, 6, 7 और 1, 8। अब हमें 10 फंदे घटाने हैं, एक हम शुरू में ही घटा लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ये फंदा टाइट कर देते हैं। ये यहाँ एक फंदा घटाया, अब हमने 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे ले गए, अब 2 सीधे बुने, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, ऐसे 2 उल्टे 2 सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ घटाया था, अब फिर हम एक फंदा घटा देते हैं। हमें बीच में 10 फंदे घटाने हैं, ये 10 फंदे घटाने हैं और बॉर्डर हमें 2 उल्टे 2 सीधे का बनाना है। तो पहले मैं ये 10 सिलाई का बॉर्डर बना लेती हूँ 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए। ये वाली भी उल्टी रहेगी और ये पट्टी भी हमारी उल्टी रहेगी, तो हम ये बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक सिलाई बना ली है, 10 फंदे हमने बीच में घटा दिए हैं और दोनों साइड हम केवल उल्टा बना रहे हैं। अब मैं 10 फंदे की ये गले की पट्टी बना लेती हूँ। देखिए ये हमने अपने गले की 10 सिलाई बना ली है। अब हम अपना हुड बनाना स्टार्ट करते हैं। हुड बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने ये उल्टे फंदे बनाए थे इधर और इधर, ये दोनों हम घटा देंगे। सबसे पहले मैं ये 8 फंदे जो ये बटन पट्टी के हैं इनको घटा देती हूँ और इसमें हम सिलाई चेंज करेंगे। अब हम फिर से 10 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। गला हम इसलिए बनाते हैं, वरना जो हम हुड बनाएंगे वो बच्चे के गले में लटका लटका हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले सिंपल गला बनाया है। अगर आपको हुड नहीं बनाना है तो आप यहीं पर इन फंदों को बंद कर सकते हैं, बट हमें हुड बनाना है तो अब हम हुड बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने ये वाले 8 फंदे घटा देते हैं। ये देखिए ये हमने इसके 8 फंदे घटा दिए हैं। जब हम लास्ट में आएंगे तो हम ये वाले भी 8 फंदे घटा देंगे नेक्स्ट सिलाई में, नेक्स्ट रो में। अब हमें अपने ये फंदे हुड हमें क्रीम कलर का बनाना है, तो हम क्रीम धागे से ये फंदे बुनेंगे। आप देखिए हमारे पास ये 90 फंदे थे पूरे गले में, जिसमें से हमारे 8 ये कम हो जाएंगे और 8 ये, 16 फंदे कम हो गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 74 फंदे बचे हैं, लेकिन हमें हुड बनाने के लिए कम से कम 96 फंदे चाहिए, तो हमें यहाँ पर 20 फंदे बढ़ाने होंगे। अब हम यहाँ पर 20 फंदे बीच में बढ़ा लेते हैं, ये वाले हम सिलाई मोटी वो लगाएंगे, 10 नंबर की लगाएंगे, ये धागा खत्म कर देंगे और यहाँ पर अब हम क्रीम धागा लगाएंगे ये वाला। ये देखिए ये हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे क्रीम कलर से और यहाँ पर हमें बीच में 20 फंदे बढ़ाने हैं। हर 3-4 फंदे के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, जैसे यहाँ हमने 4 फंदे बुने, अब हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेते हैं ऐसे। एक बार पीछे बुना और अब एक बार इसी फंदे को आगे, ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया। ऐसे ही हम यहाँ से और यहाँ तक 20 फंदे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें 20 फंदे बढ़ा लिए हैं और ये सिलाई हमने पूरी कर ली है।
अब देखिए हमें ये वाले फंदे कैसे घटाने हैं। ये फंदे हमारे रेड कलर के हैं, तो हम इन फंदों को बिना बुने इस सिलाई में उतार लेते हैं। आठों फंदे ऐसे। अब हमारे ये दो फंदे रह गए हैं, तो इसमें से हम इस फंदे को इसके ऊपर से स्लिप कर देते हैं। अब हम ये फंदा डालेंगे बिना धागे के, इसको इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। अब ये फंदा डालेंगे और इसको इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। अब ये डालेंगे, ऐसे ही हम सारे फंदे स्लिप करते जाएंगे। थोड़ा टाइट उतरता है लेकिन बड़े आराम से हो जाएगा। ये हमारे आठों फंदे देखो ऐसे घट गए हैं, और अब हम इस फंदे को इसमें ऐसे बुन लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इधर की बटन पट्टी और इधर की बटन पट्टी हमने घटा दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये भी 10 नंबर की सिलाई लेनी है। जैसे हमने यहाँ बटन पट्टी बनाई थी 8 फंदों की, ऐसे ही हमें इधर 8 फंदे इधर उल्टे बनानी है और 8 फंदे इधर उल्टे, और बाकी बीच के फंदे सारे सीधे बनाने हैं। ये शुरू के 8 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं हुड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब हम धागा पीछे करेंगे ऐसे, और ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट के 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अगर आपके ये फंदे पूरे नहीं बने हैं, पूरे नहीं बढ़े हैं 20 फंदे, तो कुछ फंदे आप इस सिलाई में भी बढ़ा सकते हैं। बट आपके पास हुड के लिए 96 फंदे यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए। अब मैं इसको 5 इंच बना लेती हूँ, जिसमें कि हमारा इधर 8 फंदे की बटन पट्टी जैसा बनेगा और इधर भी बीच का पोर्शन हमारा एकदम सीधा रहेगा। ये देखिए, इस तरह से ये हम हुड बनाएंगे। ये दोनों साइड 8-8 फंदे की हमने बटन पट्टी बनाई है। ये गले पर फेस पर आएगी और ये बीच से प्लेन। ऐसे ही हम 5 इंच तक इसको बुनते जाएंगे। जब हमारा ये 5 इंच हो जाएगा यहाँ तक, तब हम इसके 3 पार्ट करेंगे। ये 96 है, 32, 32 और 32। 3 पार्ट करने के बाद इधर की भी 32 फंदे घटा देंगे और इधर के भी 32 फंदे घटा देंगे, तब हम केवल बीच के 32 फंदे बुनेंगे। बट हम पहले ये अभी 5 इंच तक बुन लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये मैंने यहाँ पर 96 फंदे लिए थे, और जब ये 5 इंच बन गया है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने ये 32 इधर घटा दिए और 32 इधर घटा दिए। फिर हमने केवल बीच के ये 32 फंदे बुने हैं। ये 32 हमें कितने बुनने हैं वो देख लीजिएगा आप। ये हमें जो हमारा ये फंदे हमने घटाए थे, इस फंदों तक पूरा होना चाहिए ऐसे। ये हमारा इस फंदे तक पूरा होना चाहिए ऐसे। इस तरह से, तो ये हमें अपना पूरा ऐसे। अब हम इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने ऐसे बनाया और लास्ट में हमने यहाँ पर 12 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है, क्योंकि ये हमारा फोरहेड पर माथे पर आएगा। अब ये हमारा पार्ट ऐसे तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, वो हमें कैसे करनी है ये हम अपनी। उससे पहले हम एक चीज और तैयार कर लेते हैं। ये मैंने इसमें लगाने के लिए ऊपर छोटे छोटे कान बनाए हैं, ये वाले। इसके लिए ये देखो हमने 2 बनाने हैं। मैंने 12 फंदे डाले और 12 फंदे डालकर मैंने उल्टी सीधी ये 14 सिलाई मैंने ऑरेंज कलर की बनाई है, 14 सिलाई, और उसके बाद मैंने 8 सिलाई ये क्रीम कलर की बनाई है। फिर मेरा ये इस तरह से इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया ऐसे, और यहाँ पर हमें इधर से और इधर से दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेना है।
ये देखिए, ये हमने इसको दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ऐसे पलट देते हैं, ऐसे ऐसे हमने सीधा कर दिया और ये इस तरह से हमारे दोनों कान तैयार हो गए हैं। ये वाले, ये हमारे दोनों कान तैयार हो गए हैं। इसमें हम, ये देखिए, हमने इसमें ऐसे सुई डाली और यहाँ पर हम इसमें ऐसे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। डबल धागा है, ये देखो इस तरह से ऐसा ही डिजाइन हम इसमें भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये अब हमारे दोनों ये कान तैयार हो गए हैं, ये वाले। अब हम इसमें अपनी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए हम ये वाला पार्ट ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर टच करेंगे, ऐसे, और यहां से यहां तक हम इसको स्टिच कर देते हैं, यहां से यहां तक ऐसे। ये देखो, ऐसे हम इसको स्टिच कर देते हैं। ये देखिए, हमने यहां तक स्टिच कर दिया है। अब ये जो हमारा हमने कान बनाया था, इसको हम ऐसे, ये देखो हमारा ये ऐसे आना चाहिए इस तरह से, तो इसको हम ऐसे करके, इस तरह से करके इसके अंदर फंसाएंगे ऐसे। ये हम ऐसे इसके अंदर लाएंगे, ये पूरा, ताकि हमें बाहर चमक जाए ऐसे। और इधर से देखो, ये हमारा ऐसे आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए ऐसे। तो हम यहां पर इसको पक्का अटैच कर देते हैं। ऐसे ऐसे, ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक साइड का सिल गया है। ऐसे ही हम इस साइड का भी तैयार कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये भी हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं इस तरह से। ऐसे ही इसमें भी हम इधर कान लगा देते हैं। इस तरह से ये हमारी हुड तैयार हो गई है, ये वाली, ये दोनों ये लग गए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें बीच में यहाँ पर इसमें ऐसे एक छोटा सा टांका लगा देंगे अंदर की साइड। हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से, थोड़ा प्लेट्स टाइप लेकर ऐसे, और यहाँ पर हम इसको एक टाइट सा नोट लगा देंगे ऐसे। ये ऐसे, ये देखिए, इस तरह से ये हमारी बहुत सुंदर एक कैप तैयार हो जाएगी। देखिए, इस तरह से ये हमारी एक डिजाइनर हुड तैयार हो जाएगी, जो बच्चे के फेस पर बड़े आराम से आएगी। अब हम इसको और फैंसी लुक देने के लिए इसमें यहाँ पर छोटी छोटी ये आईज लगाएंगे और एक रेड कलर से ऐसे माउथ का फेस बना देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी एक बहुत प्यारी बच्चों के लिए हुड तैयार हो गई है, ये वाली। ये बच्चों के फेस पे बहुत आराम से आ जाएगी ये, और डिजाइनर लुक में है। अब हम इसमें और प्यारा लुक देने के लिए इसमें दोनों साइड ये आईज और यहाँ पर एक रेड कलर का फेस बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बहुत प्यारा हुड तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी बेबी के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत प्यारी कैप है, बहुत सुंदर है। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका पूरा डिजाइन बताया हुआ है। ये देखो, बच्चे को पहनने में बहुत इजी रहेगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। ये देखो, इस तरह से बहुत सुंदर कैप आएगी ये बच्चे को।
इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इसी के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस।